आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के आयोजक है श्री दिगंबर जैन सभा ऋषभ विहार दिल्ली, चेयरमैन इंजीनियर विजय कुमार जैन, अध्यक्ष सुनील कुमार जैन, महामंत्री विपुल जैन एवं समस्त कार्यकारिणी। परम पूज्य प्रकृत ज्ञान केसरी मेरे गुरुआचार्य भगवान श्री एकचार सुनील सागर जी महाराज की पद मिले आपके पुण्यवाणी बड़ी मेरे दिल में तेरी ये निशानी बड़ी। पद मिले आपके पुण्यवाणी बड़ी मेरे दिल में तेरी ये निशानी बड़ी कि नाता कुछ ऐसे जोड़ा है गुरुवर आपसे। आंखें बंद या खुली हो नहीं कुछ फर्क पड़ता, कोई प्रतिबंध मेरे आगे आके ना अड़ता। मांग बड़ी साधारण सी मेरी गुरुवर, मांग बड़ी साधारण सी मेरी गुरुवर, दर्श दिखाते रहना अपना हमेशा। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहना गुरुवर, हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहना गुरुवर। बोले परम पूज्य चतुर्थ पदाधीश आचार्य भगवान श्री एकचार सुनील सागर जी महाराज की। हे गुरुवर कृपा करना तुम कि भक्त ये आया है, तुम ही तो एक सहारा हो ये जीवन माया है। हो गुरुवर कृपा करना तुम कि भक्त ये आया है, तुम ही तो एक सहारा हो ये जीवन माया है। राह दिखा के भव पार लगाया है, द्वारे पे तेरे संसार ये पाया है, चरणों में तेरे गुरुवर चारों धाम। जान लिया यूं ही दिखाना गुरु
जीवन माया है। बोली जयकारा गुरुदेव का, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी गुरुवर इस जीवन का जी प्रयोग लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री एन के जैन जज साहब, श्री पंकज जैन ऋषभ विहार, श्री अनुराग जैन कुशलगढ़, श्री पी के जैन जी। गुरुआचार्य को अर्घ समर्पण करके मुनि कुंजरिया चार्य शिरोमणि आदि सागर जीवा की पट्टाधीश कहाय महावीर कीर्ति मुनि राज तिनके पद पर शोभित होती सूरी सनमति सिंधु महान अर्घ चढ़ाकर करे वंदना पारे कोशी श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सनमति सागर जी गुरु चरण भियो नमः अर्घम एव पामिति। चलिए आगे पात्र आओ चरण पधारे दुखों को हम बुलाए खुशियां सब मिलती है यही आओ चरण पधारे दुखों को हम बुलाए खुशियां सब मिलती है यही गुरु जी सुनो श्रावक ब्रह्मनाल कर रहे थे और जैसे कलाचार्य भगवान विधान रखा तो कहाँ गए थे, पार्श्व विहार गए थे ऋषि विहार से। ऐसे ही एक एक कार्यक्रम हो रहा था और वहाँ पे जो राजा था उसने भी बहुत बड़ी भक्ति भाव से धूमधाम से पूरा जा पूजा आराधना की विधान किया। और बाद में जो आता है बड़े बड़े जो विधान होते हैं इसके बाद में दान दिया जाता है, तो उस द्वार पर एक संत महात्मा जो कहते हैं दुनिया में जो मांग के पेट भरते हैं, एक दिगंबर गुरु हैं जो मुद्रा बना के जाते हैं। तो ऐसे ही उस द्वार पे भी एक छोटा व्यक्ति आया, संत आया, महात्मा आया, उसने भी अपना जो कटोरा था आगे कर दिया। राजा सबको दान दे रहा था तो वो आप कुछ ज़्यादा ले इसमें झोली फैला दो कम से कम, जब राजा दान दे रहे हैं जब कहने लगे भैया तो इतना कटोरी क्यों मांग रहे हो, जब राजा दे ही रहे हैं तो भर भर के लेके जाओ, सब अपने अपने हिसाब से लेके जा रहे हैं तो आपकी इतना छोटी कटोरी, जो दीपावली का मौसम आ रहा है दीपावली में जैसे दीपक रहता है इतनी छोटी कटोरी उसके पास थी तो इतनी छोटी क्यों मांग रहे हो, राजा स्वर्ण दान दे रहा है तो मुझे तो भाई इतना ही दे दो। कितना मांगा, जिन दीपक की जो रहता है उतनी छोटी सी उसकी कटोरी थी, वो कटोरी इतना मुझे दे दो। और जब वो कटोरी में डाला स्वर्ण मुद्रा डाली, दो डाली, चार डाली, दस डाली, फिर भी खाली, तो फिर मुट्ठी दोनों हाथ भर के डाली फिर भी खाली,
तो सोचने लगा ऐसा क्या बात है, फिर भी राजा है, सबको दे रहा है और अपने किसी को द्वार पे निराश करके नहीं जा रहा दे रहा है, तो ऐसा फिर कैसे दो। और उसने राजा ने कहा जितना धन है वो ले आओ और पूरा, तो पूरा उसका राज खजाना खाली हो गया, फिर भी कटोरी भरी नहीं। तो कहने लगा वो जो महात्मा था कि भैया आप, संत महात्मा कहने लगा कि नहीं आपके पास है तो कोई बात ना बोल दो, मैं चला जाता हूँ मगर इतना। तो फिर वो बोलते हैं मैं अपना पूरा धन जितनी संपत्ति थी पूरी दान कर दी फिर भी ये भरा नहीं, ये मुझे बताइए कि एक कटोरी बनी किससे है, ये कटोरी जो आपके पास जो पात्र है वो किससे बना हुआ है। तो वो संत महात्मा कहता है ये कटोरी इंसान के मन से बनी हुई है, इंसान माइंड जो रहता है ना उससे बनी हुई है, और इस इंसान को कितना ही मिल जाए, कितना धन अर्जन हो जाए, कितनी भी संपत्ति मिल जाए, कितनी सत्ता मिल जाए, फिर भी तृप्त नहीं होता है, कहीं भरता नहीं है, उससे बनाई हुई है। तो फिर वो मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात कि ऐसी जो कहानी है सुनी तो बहुत जनों ने है मगर श्रद्धा नहीं कर पाए। और ये बात मुझे लगता है मेरे आचार्य भगवान जब इसी महीने में उनका जन्मतिथि आई थी, जन्म दिवस आया था, जन्म तारीख आई थी और भी बहुत से पुरुषों की आई, हमने देखा आचार्य भगवान इसी महीने में ये बात, मुझे लगता है कि ये बात आचार्य भगवान गर्भ में थे, वही पर्युषण पर्व चलते रहेंगे क्योंकि गर्भ पर्युषण पर्व और ये चतुर्मा चल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि आचार्य भगवान ने सब धन संपत्ति इतना पढ़ाई एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी उस मार्ग में नहीं आगे बढ़े और इसमें वैराग्य में आ गए। तो मुझे लगता है कि कहानी कहीं ना कहीं आचार्य भगवान को गर्भ में ही सुनने को मिल गई और उन्होंने भी श्रद्धान कर लिया कि ऐसा ये संसार है इसमें तृप्ति होने वाली नहीं है, कितने पांच इंद्रियों के भोग हैं, कितने भी विषय को भोग ले जीव तृप्त होता नहीं है। तो फिर उन्होंने जो चिंतन किया रहेगा वो मुझे लगता है ना जड़ खाए ना ही चेतन पर दोनों मिलकर गजब करे, दिन रात चकाचक भोगों से ना तृप्ति मिले ना पेट भरे, हम आकुलता व्याकुलता तज निज निज में रस पान करे, जिनवर के चरणों में जाकर निज आत्म का ध्यान धरे। ऐसा लगता है आचार्य भगवान ने वो गर्भ में बात सुन ली और जन्म हुआ तो जो आचार्य भगवान बात की बारे में बात सुनने को आता है कि मंदिर में बैठे रहते थे और भगवान को देखते निहारते रहते थे, जब भी अवसर मिलता मंदिर में बैठे रहते थे और वही भगवान के पास जाते जाते उन्होंने स्वयं का उद्धार किया। मगर हमारे जैसे इसी महीने में बहुत से दीक्षार्थियों की दीक्षा हुई थी, उसमें हमारा भी एक नाम आता है। तो हम बोलते भगवान ने तो अपना तो कल्याण किया जानकर और वो शिक्षा स्वयं ने तो स्वीकार की, जैसे दीपक सब प्रकाशक होता है ज्ञान जो है, वैसे आचार्य भगवान ने वही ज्ञान जो इनके चरणों में आता है उनको भी देते हैं और वही अवसर हमें भी प्राप्त हुआ 2013 में। तो आचार्य भगवान प्रत्यक्ष हो तो ही मिलता सजनी उनका ऊर्जा उनका ज्ञान। मेरा जो अनुभव है कि आचार्य भगवान कि आपके आपको उनके प्रति भक्ति है समर्पण है तो आप कहीं भी बैठे हो कहीं पे भी हो आप उनका आशीष मिलता है ऊर्जा मिलती है। जो मेरी दीक्षा की बात आती है तो इसमें जो प्रसंग आचार्य भगवान का ऊर्जा आशीष क्या काम करता है, तो 2013 मई 7 मई को आचार्य भगवान ने बताया
13 तारीख को दीक्षा होने वाली है, 13 मई। मैं आचार्य को बोला था जब आपको लगे मेरे में योग्यता तो मुझे दीक्षा देना, तो और तो आचार्य भगवान ने कुछ हफ्ते या 15 दिन पहले मुझे बताया कि अक्षय तृतीया को आपकी दीक्षा होगी। तो मैंने लास्ट में 7-8 तारीख को घर पे फोन किया कि दीक्षा हो रही है, जिसको देखनी हो आ जाना। तो घर वाले तो घर वाले सबका मोह रहता है ऐसे दीक्षा हो सकती है नहीं हो सकती है बहुत कुछ, क्योंकि बहुत जितनी भी भावना बनी हुई है यहाँ पे भी आचार्य भगवान सानिध्य मिला है, भावना हुई है दीक्षा लेने की, इनके बता रहा हूँ क्या फाइट करनी पड़ती है, कैसे संकल्प मजबूत करना पड़ता है अपना आत्मकल्याण करना हो, क्योंकि बहुत जन यहाँ पे चेहरे हैं भावना है उनकी दीक्षा लेनी है, होता है सामने गुरु रहते हैं तो भावना होती है और चले जाता है फिर वापिस संसार अच्छा लगने लगता है। इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने 7 तारीख को फ़ोन किया, फिर घर वाले बोले आपको तो नहीं दीक्षा नहीं हो सकती, फिर एक बार आप बॉम्बे आओ, मतलब बॉम्बे में रहते थे तो वहाँ पे आओ घर पे आओ। वो 8 तारीख को पहुँचा, 8, 9, 10 तक कोई तैयार नहीं, दीक्षा नहीं हो सकती है। 10 तारीख को जब पाना है तो पाना है, एक बार जो जिस जितनी मतलब इस मामले में थोड़ा पहले से ही हूँ कि जो करना है वो करना हो जाता है, तो एक बार और फिर गुरु का आशीष मिल गया और भावना थी तो फिर दीक्षा, नहीं तो आपको जो करना है वो कर लो, मैं अनपानी। तो फिर आचार्य भगवान 10 तारीख को आचार्य भगवान की कृपा से तैयार हुआ, घर वाले बॉम्बे में थे और दीक्षा आचार्य आदिसागर जी का जो जन्मभूमि है और दीक्षा भूमि है अंकली में होनी थी। 10 तारीख को तैयार हुए, ठीक है जिद पर अड़ गया तो मानने वाला नहीं है, तो फिर समाज में है तो समाज को सबको लेके जाएंगे, मंदिर के सब जुड़े हुए थे इतने तो सबको लेके जाना है, बस लेने को गए, बस सबको लेके जाएंगे। बस के लिए गए, एक ट्रैवल की दुकान वो जो रहती है एजेंसी रहती है ना ट्रैवलिंग, एक नहीं 10, 20, 25, 30 पूरा एक एक कोना जितने भी हैं सबके पास गए, जो चार्ज लेना ले लो मगर गाड़ी, एक गाड़ी मिल जाए नहीं, क्योंकि अक्षय तृतीया वहाँ पर महाराष्ट्र में शादी का ज़्यादातर जो अच्छे कार्य होते हैं, क्योंकि पहले से आज से नहीं ये मुहूर्त अक्षय मुहूर्त है तो शादियाँ ज़्यादा होती हैं, तो एक गाड़ी खाली कहीं भी नहीं मिल रही है, कोई कॉस्ट पे भी नहीं मिल रही है, क्या करें। 13 तारीख दीक्षा है, 10 तारीख बम्बई में है, जाने को कम से कम 12-15 घंटा लगते हैं, अब क्या करें, कोई जगह जितनी थे पूरे जितने वहाँ पे एरिया में जो कांटेक्ट नंबर सब जाके आए, सब एक एक जगह पे भाई और बड़े भाई साथ में जाके आए, नहीं मिला, फिर थक हार कर जब कोई साथ नहीं मिलता कोई सहारा नहीं मिलता तो फिर कौन आ जाते हैं, हाँ भगवान, भगवान तो बोलते नहीं हैं, फिर कहाँ जाएँ, तो गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ बैठे हुए हैं, अभी 500 किलोमीटर वहाँ से बॉम्बे से 500 किलोमीटर दूरी पे थे, अब क्या किया जाए। तो वहाँ पर फ़ोन करवाया और अच्छा भगवान को बताया कि भगवान ऐसी बात हो गाड़ी नहीं मिल रही है कैसे आए, तो अच्छा भगवान ने बोला कोई बात नहीं हो जाएगा सब, आशीर्वाद दिया, इतना ही बोले, आधा भगवान बोलते नहीं हैं। और फिर अच्छा भगवान का आशीर्वाद लेकर हम शाम को एक एजेंसी में गए और वहाँ पे एक गाड़ी मिल गई, आचार्य भगवान 500 किलोमीटर दूरी बैठे हुए हैं, श्रद्धा से समर्पण किया है और भावना की तो कुछ इनपॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। और वहाँ पे भी फिर 11 को वहाँ से निकले और 12 को पहुँचे और 13 को दीक्षा हुई, तो आचार्य भगवान का आशीष ऐसा मिलता है, बस समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तो आप कहीं पे भी रहो, आप यहाँ पे हो सानिध्य मिल रहा है, और यहाँ के बाद भी अगर आचार्य भगवान विहार तो करेंगे, क्योंकि विधि चतुर्मास का भी चालू हो रहा था मगर अभी एंडिंग की ओर है और गिनती उल्टी, मतलब क्या है अभी तो टिक 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 रॉकेट उड़ता है ना, वो तो उल्टी टाइमर लगा रहता था, टाइमर चल रहा है उसमें भी देख रहे हैं, बीच बीच में आचार्य भगवान कहीं के बीच बीच में और भी भक्तों की भावना है, तो आचार्य भगवान को मालूम आगे टाइम और मिलने वाला नहीं है, सैल्यूट इतना बिजी है कि आगे और टाइम मिलने वाला नहीं, इसलिए एक दिन में जो तो भी एक दिन में भी देखो आचार्य भगवान कल वहाँ पे गए थे पार्श्व विहार में भी, एक दिन में भी
8 बजे वहां पहुंचे और 1 बजे रिटर्न हो गए। एक दिन का भी, एक दिन में भी कितने घंटे टाइम मिला? 5 घंटे का टाइम मिला। और 5 घंटे में जो भक्ति भावना कर ली वहां के श्रावकों ने कि भगवान मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना है, तो आचार्य भगवान बोले आज का मुहूर्त तो अच्छा ही है। और आहार करके आए, पंडित जी भी आ गए, बिना माइक बिना प्रवचन किए आचार्य भगवान ने कि अब जीर्णोद्धार करने के लिए यहाँ बाहर ये दिशा में भूमि पूजन होगी और अपनी भावना रखें। तो वहाँ पर कितने पात्र मिल गए? 111,000 के 23 पात्र 5-10 मिनट के अंदर, क्योंकि ये पुण्य वर्गणा और लेके आए हैं आचार्य भगवान। जो कहीं पे भी जाते हैं उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, बस जान लिया कि ये मन ये तन कभी इन भोगों से भगने वाला नहीं है, तो उन्होंने जाना तो इन भोगों से अलिप्त रहे। और फिर भी कहीं बात आती है जिन धर्म की, जिन आयतों की, भक्तों की, श्रावकों की और भव्य जीवों की, तो उद्धार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे परम उपकारी भगवान हम सबको मिले हैं, हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं इस गली काल में जहाँ तीर्थंकर प्रभु नहीं है, जिनवाणी रखी हुई रहती है, वो सरल में शब्दों में वो देशना वो अपने तक कैसे आत्मा अनुभूति करें, कैसे अपने पास में आए और निर्विकल्प साधना कैसे करें। मैंने देखा जो निर्विकल्प साधना में जो अनुभूति आती है आचार्य भगवान की सानिध्य में ही मिल सकती है। बाकी तो 10 दिन बाहर भी गए थे 15 दिन, तो जब कुछ करना है कुछ बोलना है तो विकल्प बने रहते हैं। और एक गुरु छत्र छाया ऐसी रहती है वहाँ, जो मोक्ष मार्ग है वो जो साधना है वो आराधना है वो गुरु चरणों में हो पाती है। तो ये अवसर मिला है आप लोग भी जो अंतिम समय चतुर्मास चल रहा है, सामने ही भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम आ रहा है, उसको भी मनाएं। और जो हमारे लिए महावीर चतुर्थ चले गए, हमारे वर्धमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, वर्तमान के वर्धमान, इनके जहाँ जहाँ भी आप पहुँच सकें और लाभ लेते रहें, जिससे आपकी भी आत्मा इस दिन संसार को इस जानकर इस हाँ। और विद्वान भी महाराज जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे होने वाला है कि देख लें कितना भी धन अर्जन कर लेंगे, संपत्ति हो जाएगी, तृप्ति होने वाले नहीं है, मगर जो इन सिद्धों की आराधना कर लेंगे, चलते फिरते सिद्धों की आराधना कर लेंगे, उनके साथ में हो लेंगे, तो हम भी एक दिन निश्चित सिद्धों की श्रेणी को प्राप्त होंगे। आप सब भी इन गुरु चरणों में आकर अपना जीवन का उद्धार करें, ये मंगल भावना। जो आज सुनील साहब जी गुरुदेव की नमोस्तु भगवान कुछ ओम नमो जिनाणम। सद्बुद्धि मिले सबको, सबका अच्छा हो यही भावना के साथ। भवर्ण बीजंतु समूह में नौ मकसयामास धर्म पोता मज्जंत मुद्दीक्षेन शापी श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। जीमतिया प्रविहाय मोक्षौ स्थिति चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमि नाथं प्रणमामि भक्त्या। तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादि देव ऋषभ देव भगवान की जोर से, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बुली परम पूज्य दुर्पटादि श्री चक्रवर्ती तीर्थोद्धारक जीवंत समय सार आचार्य भगवान श्री सुनी।
पूज्य आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जैसे काहू बाजीगर चौहटे वजाई ढोल नाना रूप धरी के भगल विद्या ठानी है, तैसे मैं अनादि को मिथ्यात्व की तरंगनी सो भरम में धाई बहु काय निज मानी है। अब ज्ञान कला जागी भरम की दृष्टि भागी अपनी पराई सब सौंझ पहचानी है। जाको उदय होत परवान ऐसी भांति भई नेहचे हमारी जोत सोई हम जानी है। इस सवैया में कवि कहता है कि जो बाजीगर होता है जो जादूगर होता है वो किसी चौराहे पर जाकर के ढोल बजाता है और फिर तरह तरह की रूप धारण कर करके अपने स्वांग दिखाता है, फिर इस चौराहे से उस चौराहे पर जाता है, फिर उस बाजार में जाता है और जगह जगह जाकर के नाना तरह के रूप धारण करता है। जो नए नए देखने वाले हैं वो कहते हैं कि अब बहुरूपिया आ गया, अब राम का रूप आ गया और शिव का रूप आ गया, और वो जो जो रूप धारण कर लेता है लोग उसको वही मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे बहुरूपियों को पता है, कलाकार को पता है कि मैंने ये रूप धारण किए हैं, मैं ये हूं नहीं। बताइए जो अभिनेता हैं किसी पिक्चर में रोल करते हैं, पिता बन गए, पुत्र बन गए, भाई बन गए, अगली पिक्चर में वही पति बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। अब देखने वाले यही हिसाब लगाते हैं कि ये देखिए इनका ये रोल है और ये यही हैं। लेकिन उस कलाकार को तब भी पता है कि मैं ये नहीं हूं, सिर्फ नाटक करना है और रूप बदल के वापस अपने घर जाना है। कभी कभी कोई कोई कलाकार ऐसा होता है कि जो अपने आप को ही भूल जाता है, ऐसे लगता है कि हम भी वही कलाकार हैं कि हम अपने आप को भूल गए और जो रूप धारण कर लिया उसी में मस्त हो गए। ये देह है, ये पंथ, ये पक्ष, ये प्रपंच, ये क्लेश, विषय वासना, ये सब मेरे स्वरूप से बाहर है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अंतरंग स्वभाव की रुचि करो ज्ञानी, अंतस में निहारो, चैतन्यमय तुम हो, जड़मय देह है, यही बात तो यहां समझा रहे। निश्चय से, व्यवहार से, नयों के पक्षों के माध्यम से और नए पक्षातीत होने की बात भी कह रहे, लेकिन तुम भूल गए, ऐसे भूल गए। कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम हुआ, सारे लड़कों ने मिलकर के कार्यक्रम किया, उसमें एक लड़के का रोल था कि तुम्हें इस तरह का रोल करके और इस तरह से तुम्हें गोली लगेगी और तुम्हें मर जाना है। नाटक चालू हुआ, सबने अपने अपने नाटक किए, लेकिन वो बोलते ना कलाकार जब अपनी कला में डूब जाता है, तो उस कला का कुछ रूप और ही बन जाता है। आप देखिए कला में डूबने वाले लोग, उसे कला कहिए नाटक कहिए, इतने डूब जाते हैं, इतने तल्लीन ऐसे एक्टिंग करते हैं कि देखने वाले भी रोने लग जाएं, हंसने लग जाएं, प्रभावित हो जाएं, पसंद करने लगते। जिनने रामायण में कभी राम का रोल किया था आज वो वृद्धावस्था की तरफ पहुंच गए, तो भी वो कहीं पहुंच जाएं लोग उनको राम की छवि में देखते हैं, उसी तरह से फल फूल चढ़ाने को आ जाते हैं, सम्मान करने लग जाते हैं। इतने मतलब जबकि वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो जो हूं
गांधीनगर गुजरात में रावण लंकेश का रोल करने वाले आए, अरविंद त्रिवेदी, कुछ लोगों ने कहा कि आप जैसे तब हंसते थे वैसे हंस के दिखाओ, और ने कहा कि भाई वो दिन अलग थे और ये दिन अलग है। तब शरीर अलग ढंग का था, अब संभव नहीं है, काफी वृद्ध हो गए थे मतलब, लेकिन लोगों की छवि, लोगों की आंखों में अभी भी छवि वही है कि क्या एक्टिंग करते थे, लेकिन एक्टिंग नहीं, ये रावण ही है। और कई बार कलाकार अगर खुद को खुद ही भूल जाए तो उसका तो बंटाधार हो जाए, नहीं भूलते अक्सर कर, लेकिन कभी वो कॉलेज में रोल करने वाला युवा नया नया पहली बार रोल किया था और कहा डूब के करना, वो ऐसा डूबा कि उसको मरने के लिए गोली लगी, नकली लोग, नकली खून निकला, नकली सब कुछ हुआ, लेकिन धड़ाम से गिर गया। दूसरे सीन के लिए उसको उठने के लिए कहा कि बस पूरा हो गया, आप उठ के चल बाहर, उधर पीछे चल, वो उठने को तैयार नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। आगे वाला सीन जरूरी है तो जबरदस्ती घसीट करके उसको पर्दे के पीछे ले गए। फिर लोगों ने समझाया कि तेरा रोल पूरा हो गया, जबरदस्ती का कोई लेटा हुआ है, तो पहले तो आंख खोलने को भी तैयार नहीं, हाथ हिलाने को भी तैयार नहीं। लोगों ने चेक किया कि सांस तो चल रही ना, सांस चल रही है, धड़कनें चल रही, सब एक दो तमाचे लगाए कि बोलता क्यों नहीं। उसने कहा बोलूं कैसे, मैं तो मर गया हूं। लोगों ने कहा कि तू बोल तो रहा है, मर कैसे गया। उसने कहा कि अभी गोली लगी थी, अभी मैं धड़ाम से गिरा था। लोगों ने समझाया कि भाई ये जो नाटक है, नाटक में ऐसे होता है, नाटक में कोई मरता थोड़ी है। उसने कहा कि लेकिन मैं तो मर गया। लोगों ने इतने जोर से तालियां भी बजाई, समझने को तैयार नहीं, जैसे तैसे उसको घर ले गए। घर वाले भी परेशान, वहां जाके भी सीधा बेड पर लेट गया। किसी ने खाने पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं तो मर गया, कुछ तो खा लो पी लो। नहीं, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं खाता पीता। घर वाले परेशान हो गए, क्या करें। मनोवैज्ञानिक के पास लेके गए, चेक करो भाई। मनोवैज्ञानिक होते, उसने अपने आइडिया लगाए, थोड़ी कुछ बातें कही, सुनी, पूछी, हर बात का वो जवाब देता, अंत में यही सिद्ध करा लेता कि मैं तो मर गया हूं। डॉक्टर ने कहा एक बात बताओ, इंसान मर जाता है तो उसका खून कैसा होता है। विद्यार्थी था साइंस का, मेडिकल साइंस का। उसने कहा कि सुना भी है, प्रैक्टिकल भी किया है, इंसान के मरने के बाद जो है उसका खून पानी बन जाता है, एकदम रंग बदल जाता है, एकदम फीका पड़ जाता है। अच्छा, पक्का पक्का रूल है तो। उसने कहा ठीक, अब हम तुम्हारा खून निकालते हैं। उसका खून निकाला थोड़ा सा, उसने कोई ऐसे महसूस नहीं कराया कि जैसे जिंदा आदमी करता है कि तकलीफ हो रही है। खून निकाल करके सो दिखाया, खून कैसा है, पानी बन गया क्या, फीका पड़ गया क्या। इसका मतलब है कि तुम जिंदा हो। उसने कहा कि ना, आज एक्सपेरिमेंट हुआ, पहली बार एक बात और समझ में आई कि मरने के बाद भी खून जिंदा के समान रह सकता है। बताना तो क्या चाह रहे हैं और समझ क्या रहा है। किसी ने ऐसी उल्टी धारणा अगर बना ली तो इस इलाज क्या है। हमने देह को ही मान रखा है, जीव है, देह जीव भिन्न भिन्न है, और नई विवक्षा से इसे समझाया जा रहा। यानी इंद्रजाल मिदमेव मुच्छलत पुष्कलोच्चल विकल्प वीची भी यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणम कृष्णमश्यति तदस्मि चिन्ह महा। मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है। आपसे पूछें आपका स्वरूप क्या है, आपका नाम क्या है, आपका लक्षण क्या है,
ना आप अपनी पौद्गलिक पर्याय की बात करने लगेंगे। मेरा नाम अशोक है, विजय है, अमुक है, तमुक है, लेकिन ये आपका नाम तो इस पर्याय का है, दादा बाबा ने रख दिया। कहाँ रहते हो अब? जहाँ रहने लगे वहाँ का नाम बता दोगे? दिल्ली रहते हैं, चित्तौड़ रहते हैं, कॉलोनी का नाम बता दोगे? लेकिन वास्तव में कि ये शाश्वत है तो इसको ऐसा एक में ऐसा कैसे माना? हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता है बारंबार कि मैं चैतन्य घन ज्ञान आत्मा हूं? इस छंद में आचार्य अमृत चंद्र कहते हैं, इंद्रजाल में दिमेव मुच्छलत। कैसा अनुभव करता है ज्ञानी? चिन्महा मैं चैतन्यमय ज्योति हूं, मैं चैतन्य मात्रा प्रकाश पुंज हूं, इसके स्फुराय मान होने से बड़ी बड़ी विकल्प रूपी चंचल तरंगे उछलते हुए नयों के प्रवर्तन रूप इंद्रजाल तत्काल दूर हो जाते हैं। व्यवहार से हम कहते हैं मैं संसारी हूं, निश्चय से भाई मेरा आत्मा भी सिद्धों के समान है। नए विवक्षा तो बहुत विस्तृत है। कर्म जाल की तरफ से देखो, नए विकल्प जाल की तरफ से देखो तो बहुत सारी उलझने हैं, लेकिन एक चैतन्य स्वभाव की तरफ से देखो तो मैं कैसा हूं? चिन्महा। चिन्महा मतलब चैतन्यमय ज्योति। अनेकांत सीखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे एकांतवादी बन गए और उन्होंने तो व्रत संयम की भी निंदा चालू कर दी, व्रती त्यागी मुनि राजों की भी अवमानना चालू कर रखी। अरे भाई, इसके लिए थोड़ी ना समय सार है, इसके लिए थोड़ी जिनवाणी है कि पूज्य पुरुषों का अभिनय करने लग जाएं। द्रव्यानुयोग साथ साथ करणानुयोग को भी समझना जरूरी है, चरणानुयोग को भी जानना जरूरी है, प्रथमानुयोग को भी। जिन्हें चरतों चारों अनुयोगों का विधिवत ज्ञान होता है, जिन्हें अनेकांत और स्यादवाद का भान होता है, वे कभी भी उच्छृंखल प्रवृत्ति नहीं करते। अनेकांत का चश्मा लगाइए, अनेकांत का चश्मा लगाइए और जीवन की हर उलझन को दूर भगाइए। अनेकांत से हर उलझन दूर हो सकती है। हर समस्या का समाधान हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। वस्तु ऐसी भी है, वस्तु का यह भी स्वरूप है इस विवक्षा से। अरे भाई, आप अकेले पिता थोड़ी हैं, किसी की बेटी भी है, विवक्षा है वो, किसी के भाई भी हैं, किसी के मित्र भी हैं, कहीं भक्त भी हैं, कहीं कम भक्त भी हैं, सब रूप हैं। गुस्से में आ गए तो फिर छोड़े नहीं, और नहीं तो शांत बैठे हैं तो बैठे हैं। बहुत सारे रूप हैं। समय सार जी में 20 श्लोक लगातार कहे हैं और 20 श्लोकों में एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा विधि पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी चितपक्षपातम् पातस्तस्यास्ति नित्यम् खलु चिच्चिदेव। ये कह रहे हैं कि एक नए तो कहता है कि आत्मा या मैं बद्ध हूं, दूसरा नए कहता है कि मैं मुक्त हूं। दोनों नयों के पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी है वह तो चिच्चिदेव, चिच्चित एव। कैसा है आत्मा बोलो ज्ञानियों? चित चित। चित चित मतलब क्या होता है? देह नहीं है चैतन्यमय। जब तक भाई बैटरी फुल है तब तक आपका मोबाइल चालू है ना? मोबाइल की बैटरी अगर खाली हो जाए तो मोबाइल क्या करेगा? 5G का हो, 4G का हो,
काम करेगा? बिना बैटरी के काम करता है? कई लोग हैं जो पावर बैंक साथ में लेके घूमते हैं, एक मोबाइल और मोबाइल के साथ एक मोबाइल जैसा डिब्बा एक और आता है। किसी किसी के हाथ में देखा, उसको पूछा कि प्लास्टिक का ये काहे को ढोता फिरता है, तो बोलता है प्लास्टिक का ये खोखा नहीं है, इसमें पावर है, इसमें इसमें इसकी पूंछ इसमें लगा देते हैं तो इसमें भाई। जैसे वो पावर बैंक है, ऐसे ही इस दुनिया में मुनिराज भी चलते फिरते पावर बैंक है। उनसे अगर आप जुड़ गए तो कहीं ना कहीं तत्व ज्ञान का बोध, तत्व ज्ञान की एनर्जी आप में भी आ जाएगी, धर्म ध्यान की भावना। चैतन्यमय स्वरूप का वो ख्याल कराते हैं। चित चित, चित मतलब चैतन्य। पहली शक्ति कौन सी है आपको मालूम होना चाहिए। समय सारजी में 47 शक्तियों की बात आई है। अमृत चंद्र स्वामी ने समय सार ग्रंथ में 47 शक्तियों का बहुत अच्छा विवेचन किया। इस पर बहुत विद्वानों ने प्रवचन किए। वो 47 शक्तियां किसकी शक्तियां हैं? शक्ति, गुण, धर्म, स्वभाव, ये सब मेरे ही आत्मा के हैं, मेरे ही आत्मा में हैं। विवक्षा वश शक्ति, गुण, धर्म और स्वभाव कहलाते हैं। वहाँ पर जो 47 शक्तियों की बात आई है, उसमें सबसे पहली शक्ति कौन सी है? बोलो बोलो, एक अक्षर तो बोलो। नहीं महाराज जी, जैसे आपका मौन रहता है वैसे हमारा भी, जब ऐसा कुछ बोलते नहीं बनता है तो हमारा मौन रहता है। और दूसरी दुनिया की बातें बोलो, पूछो आप, एक पूछो हम चार बता देंगे। जज साहब पहली शक्ति कौन सी है? जज साहब कहेंगे आप तो कोर्ट की पूछो पहली शक्ति कौन सी है, बता सकते हैं कि जज की पहली शक्ति क्या है? ज्ञानी, तुम्हारा चैतन्य आत्मा ही तुम्हारा जज है, वो ही न्याय करता है कि तुम्हारा हित किसमें है और अहित किसमें है। ध्यान दो, पहली शक्ति है चिति शक्ति। हम शक्तियों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी, फिर भी सबसे पहले आप चैतन्यमय हैं कि नहीं, आप अपने आप को भी कैसे पकड़ते हैं? दिक्कत तो यही है, हम अपने आप को पकड़ते ही नहीं हैं। हम अपने ज्ञान से दूसरे दूसरे को पकड़ते हैं। हाँ, आज कल से ज्यादा लोग आए हैं, ऐसे गिनेंगे, फिर ये गिनेंगे कि देखो आज उतनी कुर्सी खाली पड़ी उनकी, फिर देखो महाराज जी आज अमुक महाराज जी नहीं आए। अब हमारा ज्ञान है, ज्ञान से चैतन्य है, हम चैतन्यमय जानेंगे, लेकिन हम उससे अपने आप का क्यों नहीं जानते, अपने आप का वेदन क्यों नहीं करते? चित स्वभाव, चित चिदेव, मैं चैतन्य मात्र हूं, ऐसा कौन वेदन करते हैं? ज्ञानी वेदन करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप यहीं, मंदिर मत जाइए, अभी यहीं बैठे, यहीं थोड़े से अपने चैतन्य स्वभाव का वेदन करिए ना। क्रोध का वेदन तो बहुत करते हैं, गुस्सा आ गया आप किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। मान का भी वेदन करते हैं, हम बड़े हैं, हम ऐसे हैं वैसे। आप देखो ना, आप बाबा लोगों के भी मान देख लो, दुनियादारी में, साधु संन्यासियों में, मंत संत महंतों में, आम जनता में, नेता अभिनेता में, कैसा गजब गजब का अभिमान होता। भाई तत्व की समझ हो तो ये समझ में आए कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, ना छोटा हूं ना बड़ा हूं, चैतन्यमय आत्मा। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का खूब वेदन करते हैं, इनके वेदन करने से वही मिलते हैं। एक बार निजात्मा का वेदन करो, परमात्मा बन जाओगे। नहीं, विवक्षा से तो बहुत बातें कही हैं। एक नए कहता है कि आत्मा मूढ़ है, दूसरा नए कहता है कि मूढ़ नहीं है, एक नए कहता है कि आत्मा रक्त है,
दूसरा नए कहता है कि नहीं, आत्मा तो विरक्त है। एक नए कहता है कि आत्मा दुष्ट है, दूसरा नए कहता है कि दुष्ट नहीं है, और ज्ञानी कहता है कि दोनों भी नहीं है। चिति द्वयोर द्वा विधि पक्षपातो, दोनों प्रकार का पक्षपात आत्मा के लिए अहितकारी है। एक नए कहता है आत्मा करता है, दूसरा नए कहता है क्या करता है। एक नए कहता है भोगता है, ये बातें आई कि नहीं। द्रव्य संग्रह का भी किसी ने स्वाध्याय किया हो तो कर्ता और भोक्ता की बातें वहां बताई हैं कि किस विवक्षा से आत्मा करता है, किस विवक्षा से अकर्ता है। शुद्ध निश्चय नय से स्वस्वरूप का ही करता है, अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भावों का करता। तभी तो ये रागादि भावों के कारण से कर्मों को बांधता है और संसार बढ़ाता है, भोगता है। अपक्ष समझिए, एकस्य जीवो न तथा परस्य, हैं 84 लाख योनि में 30 स्थावर पर्यायों में जो भ्रमता है वह जीव है। निश्चय नहीं कहता कि जीव जीव नहीं है, आप जीव हैं कि नहीं है। व्यवहार नहीं कहता है कि जीव है, निश्चय नहीं कहता है कि जीव नहीं है। अब विवक्षा समझना, जीव मतलब जो 10 प्राणों से जीता है, जीता था, जीवेगा माने 4 गति 84 लाख योनियों में जो भटकता रहता है वो जीव। और अगर इन प्राणों की विवक्षा को छोड़ दें तो वो जीव नहीं है, इन प्राणों की विवक्षा से जीव कहला रहा था। निश्चय नय से तो यह इन प्राणों से नहीं जीता है, चैतन्य प्राण से जीता है। सूक्ष्म है, दूसरा नय कहता है सूक्ष्म नहीं है, हेतु है, दूसरा नय कहता है हेतु नहीं है। परस्पर सापेक्ष है नयों की विभक्ति, और सापेक्षा वस्तु तीर्थ कृत, वस्तु का जो सापेक्ष कथन है वही क्रियाकारी है। एक पक्ष को पकड़ लेते हैं तो एकांतवाद आता है, वहीं से संसार भ्रमण चालू होता है। और अगर स्यातवाद पूर्वक नए निक्षेप पूर्वक वस्तु को समझते हैं, स्यात लगा दिया जाए तो कोई भी धर्म कोई भी पक्ष खोटा नहीं है, और स्यात के बिना आप कुछ भी कहेंगे वो झूठे ही है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि संसार में 2 ही वाद हैं। कौन कौन से 2 वाद हैं? एक तो अनेकांतवाद है कि जिसके बल पर सब लोग मिलकर के रह सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। एक है अनेकांतवाद, और दूसरा है, दूसरा कौन सा है आप कहोगे? एकांतवाद। एकांतवाद को दूसरे शब्दों में कहें तो आतंकवाद। 2 ही वाद हैं बोले, अनेकांतवाद और आतंकवाद। एकांतवाद को आतंकवाद क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक पक्ष को खींचता है तो हमेशा हथियार लेके तैयार रहता है, इसके विरुद्ध कोई बोलेगा, इसके विरुद्ध कोई आएगा तो हम तलवार उठा लेंगे, मार देंगे, आने नहीं देंगे, खत्म कर देंगे। क्यों? घोर पक्षपात है उसका उस चीज को लेकर के, दूसरे को सहन ही नहीं कर रहा है। देख लो ना, चोर बदमाश भी अगर तुम्हारी चोरी कर ले, धर्म के प्रति ऐसी आसक्ति होती कि हथियार लेकर के उसकी रक्षा को तैयार रहेंगे, और कोई सामने आ गया ना वापस लेने के लिए तो उसको भी मार देंगे, खत्म कर देंगे। ये आतंकवाद, एकांतवाद है वहां आतंकवाद। एकांतवाद तो व्यवहार में भी नुकसानदायक है। जीर्ण विना लोग सभी, व्यवहारो सब बहारना निबहाई, तस्य लोगस्य गुरुणो नमो अनेकंद वायस्सा।
जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं निभाया जा सकता, लोक व्यवहार नहीं चल सकता, कौन क्या कहलाएगा फिर? कौन अच्छा बुरा कहलाएगा? कौन सस्ता महंगा कहलाएगा? जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता, ऐसे लोक के एक गुरु अनेकांतवाद के लिए नमस्कार हो। अति अनेकांतवादी बनिए, किसी तरह का घोर आग्रह मत पालिए। परमागमस बीजम, ये परमागम का बीज है। परमागमस बीजम निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम सकल नये विलिसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। सैकल सभी नयों का विलास जिसमें होता है। ये थोड़ी सी आध्यात्मिक और सैद्धांतिक बातें हैं, इन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। सर्वथा एक पक्ष नहीं होता है। चंद्रमा के लिए हमने पूछा था आपसे, चंद्रमा काला है कि सफेद है, बताइए। दवाई अच्छी है कि बुरी है? पिता अच्छे हैं कि बुरे हैं? भोजन अच्छा है कि बुरा है, बताओ। रसगुल्ले अच्छे हैं कि बुरे हैं, अब तो बताओ। इसको भी नहीं बताते हैं। कैसे लोग हैं एकदम, अब तो एकदम जैसे पत्रकारों के सामने नेता लोग चुप हो जाते हैं। नाश्ता अच्छा है कि बुरा है? भाई अपनी योग्यता से, योग्य रूप से, उचित रूप से स्वस्थ शरीर में लिया जाए तो ठीक है, उसकी और हमारी प्रकृति भिन्न हो तो भी नुकसानदायक है, जरूरत से ज्यादा हो तो भी नुकसानदायक है। माने कोई भी चीज, कोई भी व्यवहार, कोई भी रिश्ता हो, फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। हंसना अच्छा है कि बुरा है, बताओ। अभी तो हंस रहे थे आप लोग। हंसना अच्छा है कि बुरा है? वो आजकल तो बहुत चलते हैं लॉफ्टर चैनल है, फिर लॉफ्टिंग और क्या क्या होता है, लाफिंग क्लास भी होती है। पैसा दे के लोग हंसने जाते हैं, बताइए बेवकूफ लोग। अरे यहाँ आओ तुम, बिना पैसे के हमेशा के लिए जिंदगी मुस्कानमय हो जाएगी। अरे भाई अंदर में इतना बोझ लदा हुआ है, इतना क्लेश है, इतनी टेंशन है, वो थोड़ी देर के लिए मजाक कर करा करके तुमको हंसा दिया, पैसे वसूल लिए। एक बार क्लास ज्वाइन करने से जिंदगी भर हंस सकता है क्या? वो नहीं हंस सकता। यहाँ एक बार ज्वाइन कर लो, जिंदगी भर हंसते रहो। हंसने का मतलब क्या? हास्य भी तो एक कसा है। हंसने का मतलब एक तरह की प्रसन्नता, तत्व की जब समझ होती है तो सहज प्रसन्नता होती है। भाई ऐसा हो सकता था, ऐसा होना था, पिताजी आए हैं, उम्र पूरी हो गई, चले गए, ठीक है, इतना ही संयोग था। अब बहुत रोया भी नहीं, बहुत खुशी भी नहीं कि उनकी दवाओं पर हर महीने जो है 10 लाख रुपए खर्च हो जाते, अच्छे थे बड़ों मर गए, कुछ भी नहीं होता। उसको समझ है कि जिसके प्रति जो कर्तव्य है वो करना पड़ता है, जो जैसे हैं उनका वैसा सम्मान रखना पड़ता है, उनने अपने प्रति उपकार किया है, अपने को उनका उपकार करना होता है, समझ है। सहज रहता है, गृहस्थी में रह के भी सहज लेता है, और कोई कोई त्यागी वृत्ति बन करके भी बोझ ढोते फिरते हैं, अभी भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ मेरे को तो करना है, जैसे दुनिया इनसे ही चल रही हो। फिर अहंकार वगैरह आते हैं, फिर तत्व को भूल जाता। बताओ हंसना अच्छा है कि बुरा है? अब समय अनुसार, सुबह का समय है तो हंसो, शाम का समय है तो समय अनुसार। इसका इनका मतलब है कि अगर वैसा कोई विषय निकला, वैसा कोई, तो आप हंसिए, मुस्कुराइए, और हमेशा ही हंसते रहेंगे तो लोग क्या समझेंगे हैं? हमेशा कुछ मतलब नहीं, कैसा ही माहौल है, और आप ही करते रहेंगे तो। आजकल लोग बहुत अव्यवहारिक हो गए,
ऐसे बेवकूफ लोग मिल जाएंगे कि किसी गमी में जाएंगे, किसी की अर्थी में अंतिम आग देने के लिए जाएंगे और उसमें इन चेहरे पर कोई वैसा कोई भाव नहीं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, नहीं कैसा बेहूदापन मालूम पड़ता है। कहीं नाश्ते की प्लेटें रखी हैं तो मुर्दा वहाँ तैयारी हो रही, जला रहे नहीं जला रहे, वो नाश्ते की प्लेटों पर टूट पड़े। ये भाई प्लेटें तोड़ने वाले लोग तो लीलियों बहुत हैं, हमको तो परसों मालूम पड़ा कि बोले महाराज जी दीक्षा में वो कम से कम 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और प्लेटें भी बोले कम नहीं टूटी। कोई भी चीज़ थोड़ी शालीनता से करो भाई, शांति रखो। प्लेटें तोड़ने का मतलब समझ गए आप लोग? ये तो चल रहा है टेस्टी, ये इंद्री का विषय है, रसना इंद्री को अच्छा लग गया, टेस्टी हो गया, आपकी प्रशंसा होगी, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं पेट भर गया ना, हमेशा के लिए थोड़ी संतोष हो गया। क्या करा, इंद्रियों की चपलता ऐसी है और हमारे मन की चंचलता ऐसी है कि अभी कोई बोल दे कि भोजनशाला खुल गई तो दीक्षा हो मत हो, प्रवचन हो मत हो, वो तो थोड़े लोग बचेंगे जो उस तरह की गंभीरता वाले हैं, उस दृष्टिकोण वाले सौभाग्यशाली हो। इंद्रियां इसी तरह से घुमाती हैं, पहुंचने ही नहीं देती हैं हमें अपने स्वरूप तक। एकांत अनेकांत स्यादवाद की व्यवस्था को समझने की तैयारी नहीं है, जो चल रहा है ना इसमें क्या बुरा है, मस्त रहो, खाओ पियो, खुश रहो। अरे भाई एक ही भाव थोड़ी है, अनेक भाव हैं। इस भावों का अभाव करने के लिए हमें जिनवाणी को समझना होगा, तत्व को समझना होगा, अपने सिद्ध स्वभाव को समझना होगा। शुद्ध स्वभाव को समझो, क्योंकि सामान्य संसारी जीव ही शुद्ध होकर के सिद्ध भगवान बन गए और आज हम सिद्ध चक्र का विस्तार करके सिद्ध भगवंतों की आराधना करते हैं। उनके जैसी हमारी भी उपलब्धि हो, यानी जो तत्ववेदी है, स्वरूप का यथार्थ अनुभव करने वाला है, उसके चिन्ह मात्र भाव है, वो चैतन्य मात्र भाव को ही देखता है, पक्षपात नहीं करता। ये बड़ी ऊंची दशा है, विशिष्ट मुनिराज ऐसी दशा को पाते हैं, एकदम सहज शांत, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं। जितना जितना जिन शासन का देव शास्त्र गुरु का अनुराग होगा उतना विकल्प आ सकता है कि इस दिन धर्म की महिमा होना चाहिए, जीवों का कल्याण होना चाहिए, कैसे सबके सब खोटे मार्ग पर भागे जा रहे हैं, इनको सच्चा मार्ग मिलना चाहिए। कदाचित ऐसा राग भाव आए, सबके हित की भावना आए, बाकी द्वेष बुद्धि तो किसी के प्रति है नहीं। आत्मार्थियों, तत्व को जानने वाला ज्ञानी जो मन में विकल्प आते हैं, जो नए पक्षपात होते हैं, उस जंगल का भी उल्लंघन करके एक चैतन्य रस रूप आत्मा की अनुभूति करता है, समझता है कि जैसे बाजीगर ने तरह तरह का रूप बनाया है ना, वैसे ही ये जीव भी तरह तरह की पर्यायें ले रहा है। आप स्त्री को स्त्री मानते हैं, कोई पुरुष को पुरुष मानते हैं, जानवर को जानवर मानते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं स्त्री पुरुष पशु ये सब भी एक तरह की पर्याय हैं। आत्मा ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना पशु है, आत्मा तो आत्मा है। बस जिन जिन जीवों ने जैसे आश्रव बंद कर लिए, वो दशा को पा लिया, इन रूपों पर मत जाइए, थोड़ा सा चैतन्य चमत्कार स्वरूप नए पक्षातीत को भी लक्ष्य कीजिए, पक्षातिक्रांत समय सार को समझिए। 143 नंबर की गाथा बहुत प्यारी गाथा है, दोन्न विनायण भणिदम
कौन कौन से दो नए? दो तो बोलो कम से कम, ये तो समाज में बहुत विख्यात हो गए। निश्चय और व्यवहार एक दूसरी अध्यात्म की विवक्षा में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। दोन्नभिनयन भणिदम जानैणोरं तु समय पड़ी बद्धो न दुणय पक्खं गिन्हदी किंचि विनय पक्ख परिहीनो। बहुत सुंदर है। इसमें कह रहे हैं दोन्नभिनयन भणिदम जानैणोरं तु समय पड़ी बद्धो। जो ज्ञानी, जो पुरुष समय, समय मतलब अपने आत्मा से जो प्रतिबद्ध है, किससे प्रतिबद्ध है? आत्मा। समय का मतलब काल होता है, समय का मतलब द्रव्य होता है, तत्व होता है, समय का मतलब आगम होता है, लेकिन यहाँ समय का अर्थ क्या लेना? आत्मा, निज आत्मा। तो जो अपने समय से प्रतिबद्ध है, नदु नए पक्षम गिन्हति, वो किसी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता, किसी नए पक्ष को नहीं पकड़ता। नए पक्ष परिहीनो, क्योंकि वह नए पक्ष से परिहीन है, वो तो केवल जानता है। क्या यक है? भागम भाग तो चली रही है, चीटी भागती है। भागती हुई चीटियां देखी हैं आपने? कई बार इतनी फास्ट भागती हैं कि आप उनके बीच में उंगली लगा दो ना, तो उंगली के ऊपर से चढ़ती हुई भाग जाएंगी, आजू बाजू से भाग जाएंगी। अब ये लोग भी भागने में लगे हैं, दो मिनट की शांति नहीं है। बड़े बुजुर्गों का ये हाल है, लड़कों की क्या बात करें। कोई पहाड़ नहीं पड़ रहा है, समय सार की बातें हो रही, नहीं समझ में आ रही है, थोड़ी हिम्मत रखो। ऑपरेशन के टेबल पर मरीज लेटा है, डॉक्टर ने पेट खोल दिया और उसको नहीं समझ में आया ऑपरेशन, और भाग खड़ा हुआ, थोड़ा तो धैर्य रखो। यही तो हमारे साथ हो रहा है। चींटियां इतना भागती हैं, कहां पहुंचती हैं बताइए, कहां जाती हैं? विचार करिएगा। मछलियां भागती हैं, चिड़ियां उड़ करके भागी जा रही, कबूतर उड़ गए। आज लोगों को देख लो, बस सवेरे से कहां टाइम, बोले महाराज जी आप फिजूल में सिद्ध चक्र की आराधना के लिए आज्ञा दे दी है, कौन बैठेगा? जिसका भाग ऊंचा उठेगा वो सिद्ध चक्र में बैठेगा। आपने तो कह दिया दुकान पर कौन जाएगा, दिवाली का समय, धंधा कौन करेगा? करेगा। ध्यान रखना, तुम्हारी मेहनत से धंधा नहीं होता है, अकेला मेहनत से धंधा होता ना तो मजदूर तुमसे अमीर होना चाहिए। देख लो, एक इंजीनियर वहीं खड़ा खड़ा लाख रुपए कमाता है, और एक पत्थर तोड़ता है, दिन भर पसीना खाता है, कितना कमाता है? हजार रुपए भी नहीं कमा पाता। इसलिए थोड़ा भाग्य पर, पुण्य पर भी भरोसा कीजिए। हम तो नए पक्षातीत की बात कर रहे हैं, आप कम से कम शुभोपयोगी समझ लीजिए। सौभाग्यशालियों, थोड़ा सा अपने भाग्य पर भरोसा करें, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करें, और जिनवाणी के माध्यम से व्यवहार नए, निश्चय नए की विवक्षा को समझ करके अपना जो नए पक्षातीत शुद्ध चैतन्य घन जानन स्वभाव वाला आत्मा है, इसको पकड़ने की कोशिश करें। सिद्धों की आराधना करके हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब उनका विधान है तो हमें बैठना पड़ेगा, उनने बुलाया है तो हमें जाना पड़ेगा। महाराज जी बैठेंगे और अपन कोई ना बैठेंगे तो कैसा बुरा लगेगा, चलना तो पड़ेगा। ठीक है, आप सवेरे बैठ जाएंगे दो तीन घंटे, 10 बजे के बाद अपने काम को चले जाएंगे। तो ऐसा छोटा मन करके नहीं, समझ करके कि ऐसा आराधना में बैठते हैं जब गीत होते हैं, गीतों के माध्यम से तत्व की समझ भी पैदा हो सकती है। आप सभी इस मार्ग को उपलब्ध हों। जय बोलिए, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।